Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gaining. Today we discuss about a very important topic related to BOE examination form filling up. तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 16 अगस्त को जो हमारा झारखंड BOE है धनबाद वाला, उन्होंने क्या है नोटिफिकेशन निकाला था रिगार्डिंग BOE कि वही वो अपने BOE बोर्ड बैठा रहे हैं और उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के लिए जो रिक्वायर्ड है उनके झारखंड, जैसे कि नोटिफिकेशन में है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये सिर्फ झारखंड में वर्किंग लोगों के लिए ही है, ये आउटसाइडर के लिए नहीं है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने एनओसी का एक ऑप्शन दे रखा है। यदि एनओसी का ऑप्शन दे रखा है तो डेफिनेटली क्या है आउटसाइडर कैंडिडेट क्या है उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या है, उन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है कि दिस इज़ ओनली फॉर द झारखंड पीपल्स। तो देखा जाए तो इस फॉर्म को क्या है आउटसाइडर भी भर रहे हैं, लेकिन क्या है आउटसाइडर के लिए एक डिफ़िकल्टी ये आ रही है कि वो एक इस छोटे से मिनिमम टाइम डिफरेंस में क्या है वो उसको क्या है जो एनओसी है वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, वो मीन्स डेट कि बनवा नहीं पा रहे। तो देखा जाए तो आज एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म का आज 23 तारीख है, जो कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज लास्ट डे है, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि जो लास्ट में, क्योंकि यदि पास कुछ दिनों में पहले देखा जाए तो क्या लोगों को परेशानी आ रही है एग्ज़ाम फिलिंग फॉर्म में, क्योंकि जो भी वो लॉगिन कर रहे हैं फॉर्म को प्रोसीड कर रहे हैं तो क्या है उसमें अनऑथराइज एक्सेस दिखा रहा है। तो अनऑथराइज एक्सेस दिखा रहा है मीन्स डैट कि या तो फिर जो सर्वर पे है लोड काफ़ी हो गया होगा, आई थिंक एक मिनिमम एंट्री उन्होंने दे रखी होगी। तो इस तरीके से क्या है आप उसको बार बार ट्राई करिए। और लोगों को क्या है, एक सबसे जो दिक्कतें आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताता जाऊंगा। जैसे कि मैंने कि ये मेरे किसी क्लिन का उन्होंने अप्लाई किया है, तो दोस्तों उनको उन्होंने अप्लाई कर रखा है और ये उनका सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। तो इसमें मैं क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो क्या है वो आपको मैं साथ साथ में बताता जाऊँगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले है कि एप्लीकेशन आईडी, दोस्तों ये जब बनती है, जब आपका सक्सेसफुली BOE एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट हो जाता है, आपने सारे डिटेल्स भर रखे हैं। यदि दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यदि आपने कुछ मिस्टेक कर दिए हैं और आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट हो गया है तो दोस्तों दूसरा एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई मत करना, क्योंकि यदि आपके दो एक ही आईडी से दो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होंगे या फिर एक ही कार्डिनल से जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होंगे क्या है वो दोनों क्या है कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि कुछ गलती हो गई है, माइनर मिस्टेक हो गई, तो कोई नहीं, वो चलता है। इवन मेरे हिसाब से आपने तरफ से आप 100% करेक्ट करना, क्योंकि चलता मीन्स दैट ये नहीं है कि वो सामने वाला किस तरीके से नज़रिए से देखता आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि जब हम एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे, सबसे पहले फुल नेम आएगा। फुल नेम में आपका जो 10th की मार्कशीट पर जो भी डिटेल्स है आपको उस रेफरेंस से आपको फिलअप करना है। सबसे पहले जैसे कि फुल नेम है, अपना फुल नेम डालना है, फादर नेम है, फादर नेम डालना है, नेशनलिटी है इंडिया इंडियन डालनी है, डेट ऑफ बर्थ है आपकी जो भी है, और प्लेस ऑफ बर्थ आपको सिर्फ आपके स्टेट का नाम डाल देना है, या फिर आप डालना चाहो तो आप अपने सिटी या फिर स्टेट का नाम आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालना है आपको, ईमेल आईडी देनी है। यदि दोस्तों आपको पूछा जाए कि आपने इससे पहले भी BOE एग्ज़ाम अपीयर किया था क्या, यदि हाँ तो उसके डिटेल्स आपको सबमिट करने हैं। वो कौन सी डेट थी जब आपने अटेम्प्ट किया था, वो जगह कौन सी थी जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था अपने BOE का पास्ट वाला, और परमानेंट एड्रेस है दोस्तों, जो आपको परमानेंट एड्रेस है, जो आपका रेजिडेंटल एड्रेस है आप वो डालिए। अब यदि है पार्ट टू में दोस्तों कई बार उन्होंने क्या है, जैसे आप देख रहे हो उन्होंने क्या है 10th की मार्कशीट मांगी है डिप्लोमा डिग्री। सपोज दैट कि आपने 10th जो आपके डिटेल्स है जो स्टार्टिंग में आपको फिल करने हैं उसके बिहाफ पे क्या है आपको वो फिलअप करने हैं, और यदि आपके उसके बाद आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आपने डिप्लोमा के डिटेल डालने हैं, डिग्री की है तो डिग्री, यदि आपने डिग्री की है सीधी तो 10th के बाद आपको डिग्री डालनी है। तो इसमें क्लास ऑफ सर्टिफिकेट, क्योंकि लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो रहे थे दोस्तों, क्लास ऑफ सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपने वो एग्ज़ाम कौन सी क्लास में पास किया, यदि वो आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया तो फर्स्ट, सेकंड से किया तो सेकंड, और थर्ड से किया तो आपको थर्ड मेंशन करना है। प्लेस ऑफ इशू, यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, प्लेस ऑफ इशू का मतलब ये है कि भाई जहाँ से आपने आपका सर्टिफिकेट जनरेट होके आया, सपोज दैट आप 10th को
टेंथ की जो आपकी डीएमसी है वो अपने भिवानी बोर्ड से आई है हरियाणा में, यदि आप लोगों को पता हो जो हरियाणा से होंगे। तो क्या है, वो भिवानी है तो आपको भिवानी लिखनी है। तो उस पोजेट की आपकी डिग्री क्या है, एमडी रोहतक से है, तो आपको क्या है, रोहतक आपको पहले से लिखना है। तो ऐसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट जहाँ जहाँ से आपकी आपकी डीएमसी पे मेंशन होगा वो वहाँ पे इशू डेट मेंशन होगी, और क्या है आपका जो प्लेस ऑफ इशू है वो मेंशन होगा, आप वहाँ से देखिए अच्छे से और कोई गलती मत करना। डेट ऑफ इशू आपको साथ ही में मिल जाएगी, डेट ऑफ इशू के पास में ही आपको क्या है आपका प्लेस ऑफ इशू मिल जाएगा। ये इनको ब्लैंक कर देना है, यदि सस्पेंडेड कैंसिलेशन हुई है तो वो मेंशन करना है, वो डेट कौन सी थी जिसमें कैंसिलेशन हुआ, रीजन ऑफ सस्पेंशन क्या रीजन था सर, और उसके बाद क्या है आपको स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट की आपको क्या है अपलोड कर देनी है। ऐसे ही देखो अभी क्या है काफ़ी क्योंकि एक वहाँ पे एक टाइम रेफरेंस दिया गया हुआ है वेबसाइट पे कि आपको जो कार्डिनल्स मिनिमम मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है, यदि नहीं हो तो क्या है वो फर्दर एरर दिखा देगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, क्या है आपको क्या है पहले से ही आपके जो स्पोडेट की ये आपके डेट ऑफ इशू डेट ऑफ प्लेस क्या है ये आपको पहले से ही लिख के रखने हैं ताकि आपको खोजना ना पड़े। धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे से जिस तरीके से पूछा गया उस तरीके से आप सारी डिटेल्स बना के रखें अपने साथ में, और उसके साथ साथ में क्या है भरते जाइएगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है पार्ट नंबर 3 में होती है लोगों को, इसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डेट ऑफ टेस्टिमोनियल, जैसे कि यहाँ पे क्या आपके जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है क्या है वो यहाँ पे आपके अपलोड होंगे, कि डेट ऑफ टेस्टिमोनियल का मतलब है वो सर्टिफिकेट आपको कौन सी डेट में इशू किया गया है वो लिखना है। नेम ऑफ पर्सन, किस आदमी ने उसको साइन किया है, आपके प्लांट हेड ने किया है या फिर VP ने किया है, जो भी है आपको उसका नाम लिखना है। और डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ऑफ वर्क्स ऑफ वेयर एम्प्लॉयड, नेम डेजिग्नेशन एड्रेस ईमेल आईडी फ़ोन नंबर। तो इसमें लोग बहुत सारी चीज़ें हैं कि नेम में क्या है अपना नेम लिख दे रहे हैं, नहीं दोस्तों यहाँ पर नेम नहीं आएगा आपका नेम, सिर्फ आपकी यहाँ पे सिर्फ डेजिग्नेशन आएगी कि शिफ्ट इंचार्ज यदि आप लिखना चाहो तो, यदि क्या है आपको सिर्फ क्या है आपकी फैक्ट्री का एड्रेस देना है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं और ईमेल आईडी देनी है जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट है नंबर टाइप एंड हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर, आप जिस हीटिंग सरफेस एरिया पे आप क्या है वर्क कर रहे हो। तो दोस्तों आपकी मोर देन वन बॉयलर है तो आपको क्या है जैसे कि यहाँ पे नंबर का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है BR8964, ऐसे ही आपको क्या है कोमा करके आपके मोर देन वन बॉयलर है तो ऐसे करके आप दोनों बॉयलर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और हीटिंग सरफेस भी एरिया कोमा करके आप डालोगे। तो कैपेसिटी भी आप इस तरीके की कैपेसिटी आपको इसमें डालनी है, नेक्स्ट उसमें डालनी है कैपेसिटी इन विच एम्प्लॉयड, 100 आप कौन से बॉयलर पे आप वर्क कर रहे थे, आप क्या है 115 TPH पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ऑफ एप्लीशियंट, कि भाई एप्लीशियंट की जो क्या टाइम पीरियड था ड्यूटी करते अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के टाइम पे। तो दोस्तों जो सर्टिफिकेट जो जनरेट हुआ है स्पोडेट की वो उनका क्या है 20/5/2017 से क्या है वो काम कर रहे थे, तो अभी क्या है अभी उन्होंने जो डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट क्या है वो 18/8/2022 है। तो दोस्तों अभी क्या करना है आपको क्या है जो ये टाइम ड्यूरेशन है वो कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, यदि आप वैसे कर सकते हो मैनुअली तो आप कर सकते हो, वरना आप क्या है आप जैसे कि हम अपनी एज कैलकुलेट करते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं और करंट डेट लिखते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस कितना आता है वो आ जाता है। तो आप ऑनलाइन जाके आप गूगल पे सर्च करना कि ऑनलाइन एज कैलकुलेटर, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो स्टार्टिंग पीरियड होगा कि आपने कब वो कंपनी ज्वाइन की थी, जैसे सपोज दैट कि 20/5/2017 को की थी, तो उस पहले उस ऑप्शन में आपको वो डालना है, सेकंड ऑप्शन में क्या है वो डालना है कि जब आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो कब हुआ था 18/8/2022 को हुआ था, तो उसमें डाल के क्या है आप कैलकुलेट करोगे तो दोस्तों क्या आएगा आपके सामने आएगा 5 साल 2 महीने और 29 डेज। तो इस तरीके से आप पहले से ही कैलकुलेट करके रखना, ठीक है। यदि आपको मोर देन वन सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस तो आपको भी इसी तरीके से चीज़ें क्या है कैलकुलेट करके रखनी है। तो दोस्तों कैलकुलेट करके रखोगे तो दोस्तों आप उसके जैसे कि आप फॉर्म फिलअप प्रोसेस में रहोगे तो उस टाइम पे आप कैलकुलेट करोगे तो क्या दोस्तों ये काफ़ी 3 से 4 मिनट क्या है ये ले लेता है, तो पहले से ही आपको लिख के रखना है।
जैसे कि आपको एक मैं यहाँ पे बताऊँगा, जैसे ये अपने टेस्टिमोनियल्स है, ये पहले तो आपको सिर्फ 1 डिग्री का ऑप्शन ही दिखाएगा, आफ्टर दैट आपको क्या है कॉर्नर पे एप्लीकेशन फॉर्म के आपको ऐड ऑन करना है। तो ऐड ऑन करके क्या है, ये नीचे के रो एंड कॉलम आ जाते हैं जिसमें आप अपने फर्दर डिटेल्स डाल सकते हैं। ऐसे ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में है, आप यदि मोर देन 1 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो क्या है आप उसमें ऐड ऑन करके क्या है वो चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। तो पार्ट 4th ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में वो एज कैलकुलेट के मेथड से क्या आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस ईयर्स मंथ और डेज में कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ही क्या है आपको यदि टोटल एक्सपीरियंस है सपोज दैट मोर देन 1 सर्टिफिकेट है, एक में तो आपका हो गया 5, 2, 29 डेज और दूसरे में हो गया 2 साल, तो आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या कितना हो गया, यानी 7 साल 2 महीने और 29 डेज, तो टोटल सर्विस में क्या आएगा वही 7 मंथ 2 महीने 29 डेज। तो फिर भी क्या है टाइम सर्व फॉर वी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस, भाई वो टाइम क्या है जिसमें कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो हमारा क्या रहेगा 5 साल 2 महीने 29 डेज। तो ये तो दोस्तों यदि ये है कि टाइम सर्व फॉर विच नो सर्टिफिकेट एंड प्रोड्यूस, सो दैट कि आपने आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे थे तो क्या है आपको 1 महीना आपका नोटिस पीरियड था, तो आपने 1 महीना 10 दिन आपने जॉइनिंग में ले लिए, तो क्या है उसके बीच में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बीच में जो गैप है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, टाइम सर्व फॉर विच नो सर्टिफिकेट आर प्रोड्यूस वो क्या है सो दैट 1 साल 1 महीना 1 दिन। तो यहाँ पे क्या है देखा जाए तो लॉजिकली कई क्राइटेरिया में ये सही नहीं है, तो देखा जाए तो फिर भी आपको डिफ़ॉल्ट क्या है आपको इसमें ऑप्शन में क्या है आपको 1 साल 1 महीना और 1 दिन आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एरर है जो कि डेवलपर से हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी इसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी क्वेरी आ रही थी, सर इसमें क्या बारे इसमें क्या आपको क्या है डिफ़ॉल्ट 1-1 ही रखना है इसमें, चाहे गैप कितना भी हो, तो तभी आपका एग्ज़ाम फॉर्म प्रोसीड होगा वरना नहीं होगा, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे थे कि सर हमारा तो जस्टिफाई नहीं हो रहा हम क्या करें। तो दोस्तों जस्टिफाई नहीं होगा, आपको क्या है डिफ़ॉल्ट आपको 1 साल आइए चाहे आपका 1 मंथ भी हो तो क्या है फिर भी आपको क्या है 1 साल 1 महीना 1 दिन आपको इसमें लिखना ही है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो पोस्टेड ही नहीं होगा, आपको ये रिक्वायर्ड दिखाता रहेगा इसमें डालो कुछ ना कुछ इसमें डालो, तो आपको हेजिटेट नहीं होना है क्योंकि ये डेवलपर से एरर मिस्टेक हुआ है, तो आप इसमें 1-1 करके इसको छोड़ देना, क्योंकि मैं इसको पीछे जैसे कि आपको देखो कि इसने जो ये हमारा एप्लीकेंट है उसने भी क्या है 1-1 करके छोड़ रखा है, उसका गैप तो नहीं था लेकिन क्या है फिर भी उसने क्या है 1-1 लिख के छोड़ रखा है, तो आप लोगों को भी ऐसे करना है। तो नेक्स्ट है कि अमाउंट कितना है 2000 है, ड्राफ्ट नंबर क्या है DD आपको यहाँ पे आपको मेंशन करना है, DD का नंबर क्या है, इशू कौन से बैंक से हुआ और इशू डेट क्या थी, आर यू वर्किंग झारखंड, यदि झारखंड में वर्किंग करें तो यस, यदि नहीं है तो नो होगा तो क्या है NOC आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो लास्ट है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आप अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करोगे, यहाँ पे भी क्या है स्कैन कॉपी आपने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे एक जैसे कि हमारे एप्लीकेंट के द्वारा एक गलती हुई है कि इन्होंने थंब के नीचे क्या है सिग्नेचर कर दिया है, तो देखा जाए तो ये सही है कई मायनों में सही भी है, और क्या है जिस तरीके से क्राइटेरिया है कि जिस तरीके से बोर्ड रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सो दैट आप यहाँ पर सिग्नेचर मेंशन नहीं कीजिए, सिर्फ ओनली थंब लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आप यहाँ पर स्कैन करके आप इसको अपलोड कीजिए। तो दोस्तों ये तो कुछ मिस्टेक थी जो कि बार बार लोग कर रहे थे और बार बार मैं उनको सजेस्ट कर रहा था, तो देखा जाए दोस्तों जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि देखो जाए वहाँ पे कौन सा पर्सन अवेलेबल है वो किस नज़रिए से देखता है, सो दैट हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो आप चाहते हो कि मैं आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करूँ, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, कुछ अफोर्डेबल चार्जेस मैं आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यदि मैं आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करूँ। तो दोस्तों ये तो थी सारी बातें कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं, क्यों रखनी हैं, कहाँ पे क्या एरर आ सकता है, किस तरीके से हमें एग्ज़ाम प्रोसीड करना है।
तो आई थिंक आपकी जो क्वेरी है यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड BOE एग्जाम है या बोले फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, इससे रिलेटेड क्या आप इन्फॉर्मेशन यदि फ्यूचर में आप चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं पावर एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाते रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और लास्ट में फिर से ही बोलूँगा, यदि आप मेरे से एग्जाम फॉर्म यदि साइट एक्टिवेट हो गई होगी तो यदि आप मेरे से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करवाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको 1.5 से 2 घंटे में क्या है एग्ज़ाम फिल्म फिलअप करके मैं दे सकता हूँ, क्योंकि आज काफ़ी सर्वर पे काफ़ी लोड रहेगा क्योंकि लास्ट डेट है। यदि आप भी चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्नोलॉजी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए।